हेलो दोस्तों, आप लोग का ये एसडीडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का साइंस टू का ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अब मैं आप लोग को देने वाला हूँ क्लास नाइन्थ का साइंस वन का आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, आप लोग को देखोगे यहाँ पर 15, 16, 17, 18 जो आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है यहाँ पर अप्रैल में होने वाला है। अब यहाँ पर मैं वो चीज़ दे चुका हूँ, अगर उतना कर ले तो आप लोग को और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना ही करके जाना रहेगा। और उसी तरीके से आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ ये चीज, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। जितना मैं आप लोगों को 11, 12, 13, 14, 4 लेसन से बताने वाला वो चीज अगर करके जा रहे हो तो 110% गारंटी लेता हूँ आप लोगों को यहाँ 35+ ही लाओगे। 35+ क्या आउट ऑफ भी आ सकता है, 35+ ही मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ भी ला सकते हो जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके गए, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चीज दिया हूँ। अगर नहीं देखो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे दूंगा, वहां से जाके ये पार्ट टू का भी देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट टू का मैं पहले बना चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पार्ट वन का। अब देखोगे 11वां लेसन पे हम लोग चलते हैं, 11वें लेसन से क्या करना रहेगा, क्योंकि अगर एक्सरसाइज से आप लोग बस करके जा रहे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप लोग को अंदर से भी करना रहेगा। तो हम लोग चलते 11वें लेसन पे, 11वें लेसन से क्या चीज करना चाहिए वो चीज बताता हूँ। एक एक पॉइंट मिस मत करना, अपना टेक्स्ट बुक निकाल के उसको टिक आउट करते चले जाना। तो पूरा चलते 11वें लेसन पे हम लोग। और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करने का अपने दोस्तों में, उनको भी बोलने का, ये सब करके रखो। कोई ग्रामीण लेसन आना है, ग्रामीण लेसन ये ग्रामा हो गया। अब एक ग्रामा देखो, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब यहां से ए लेसन आप लोग का स्टार्ट होता, कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से क्या करना चाहिए, अब देखो इसमें से जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करके रखना चाहिएगा। आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देख चुके हो, अगर नहीं देखो तो भी देख लेना। अब यहाँ पर आता है, देखो व्हाट इज दिस मिरर, आप लोग को पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज दिस मिरर, तो इतना ही आप लोग को, यही लाइन आप लोग को क्लियर करना रहेगा, यही बस इतना ही आप लोग को करके रखना। देखो यहाँ पर साइंटिफिक लैंग्वेज अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट एंड क्रिएट क्लियर इमेज, दिस इज कॉल्ड मिरर। बस इतना आप लोग को करना रहेगा, उसके बाद पूछ सकता है आप लोग को पेपर में जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करना। देखो यहाँ पर पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स आर द मिरर, दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के भी टाइप्स हैं, देखो सबसे पहले प्लेन मिरर कैसे क्रिएट होता है वो चीज आप लोग को थोड़ा सी इसको पढ़ के रखना रहेगा। और उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाते हैं, हम लोग क्या करना रहेगा, देखो इधर से कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखते रहना, कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए वो चीज बताता हूँ, ध्यान से देखो। एक स्फेरिकल मिरर के देखो यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, स्फेरिकल मिरर कैसे क्रिएट होता है वो चीज यहाँ बताया गया है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वेरी आईएमपी क्वेश्चन कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दोनों के यूजेस प्लस इनके दोनों के डिफरेंट बिटवीन आप लोग को करके रखना है। क्या चीज, तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दोनों के यूजेस प्लस आप लोग को इनके डिफरेंट बिटवीन आप लोग को करके रखना है। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, उसके नीचे हम लोग आ जाते हैं टर्म्स ऑफ द, ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट आप लोग को यहाँ पर जो दिया गया उसको ध्यान से सुनना आप लोग को क्या करना रहेगा। देखो ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तीनों रूल अच्छी तरीके से आपको करके रखना रहेगा। आप लोग को पूरा ये तीनों रूल और तीनों डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप लोग को पूरा इसके आगे का कंटिन्यू आप लोग यहाँ पर तीनों रूल अच्छे तरीके से आप लोग को डायग्राम के साथ में करना रहेगा। इसके बाद आप लोग को करना क्या उसको बताता हूँ, ध्यान से देखना।
उसके बाद आप लोग को इधर से कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। 11 से पूरा 14 लेसन तक मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट बताऊंगा, बस इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। जितना चीज बता रहा हूं उसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। अब यहाँ पे देखो दोनों चीज दिया गया है, कनके और कन्वेक्स दोनों का यूजेस, ये दोनों यूजेस आप लोगों को क्या करना रहेगा, करना रहेगा दोनों का तीन तीन पॉइंट याद करना, तीन तीन पॉइंट। एक तो डिफाइन करने के लिए डिफिनेशन हो जाएगा, याद रखना एक डिफिनेशन हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग को इससे तीन तीन दो दो पॉइंट याद कर लिए आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये चीज करके रखना क्योंकि ये पेपर में 110% देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाता है आप लोगों को ए वाला, देखो इसको अच्छी तरीके से एक बार कर लेना। देखो मैं पहले से बताया कि एक्सरसाइज से बस आप लोग करके जाओगे तो आप लोग कुछ भी होएगा नहीं। आप लोगों को अब भी से आदत डालना है कि आप लोगों को अंदर का भी करना है, क्योंकि क्लास टेंथ में आप लोगों को पूरा पूरा अंदर से बहुत सारा 90% में आप लोगों को 70% बोलो अंदर से आता है, फिर 20 या 30% एक्सरसाइज से आता है। अगर अंदर से कर ले रहे हो तो एक्सरसाइज से करोगे नहीं तो भी चलेगा। यहाँ पर मिरर का फार्मूला दिया गया है, ए मिरर का फार्मूला आप लोग को याद करना, ए एक नंबर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, कौन सा यहाँ पे देखोगे आप लोग, और नीचे आ जाते हैं यहाँ से देखो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बहुत सारा बोलते हैं न्यूमेरिकल सर आएगा न्यूमेरिकल्स, तो ये वाला पहला करके रखो। देखो पहला, ये पहला मिरर वाला जो है मिरर के फार्मूले पे यही चीज मैग्निफिकेशन मत करो, एक करके रखो पहला। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग को, और क्या करना चाहिए वो चीज बता दो। देखो एक्सरसाइज से आप लोग को यही बोलूंगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, जितना है एक आप लोग को छोटा छोटा उसको करना है। बट यहाँ से कौन सा करना चाहिए देखो, इससे मैं एक बताता हूँ आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला करना रहेगा आप लोग को ये चीज, ऑलरेडी मैं बताया कि डिफरेंट बिटवीन आप लोग प्लेन मिरर और कनके और कन्वेक्स मिरर में आप लोग को आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक दिया सी वाला, अच्छी तरीके से करके रखना रहे सी वाला, और एक डी सी डी सी डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ए सी डी, बस आप लोग को और कुछ भी नहीं करना है। तीनों क्वेश्चन वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन से ये तीन क्वेश्चन करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना रहेगा उसको ध्यान से सुनना। अब इसमें से विच मिरर आर यूज टू फॉलोइंग, मतलब ये चीज दिया गया यहाँ पर, इसमें से कौन सा किया जाए। देखो इसमें से आप लोग को सिंपल तरीका, इसको दो दो पॉइंट याद कर डालना रहेगा, एक चीज को दो दो पॉइंट याद करके रखना रहेगा, याद रखना। अब उसके बाद आप लोग को न्यूमेरिकल्स जो बताया उसको आप लोग करके रखो, बस न्यूमेरिकल जितना मैं बताया वो चीज आप लोग करके रखो, बस आप लोग को क्लियर हो जाएगा। नहीं तो करना है तो ए वाला देखो, एक ए इमेज ए वाला करके रखो बस। अब आ जाता है स्टडी ऑफ द साउंड, स्टडी ऑफ द साउंड में क्या करना चाहिए। देखो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल वेव दिया गया, ये दोनों आप लोगों को छोटा छोटा आप लोगों को शॉर्ट नोट में याद करके रखना रहेगा, यहाँ दिस से और इधर से ए वाला यहाँ से टिक आउट कर लो, जो चीज जहां पर बता रहा हूँ उसको टिक आउट करके रख लो, टिक मार्क कर लो, क्योंकि मैं इसीलिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक से बता रहा हूँ। और इसके आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना रहेगा देखो, यहाँ पर एक चीज दिया गया है देखो, वेलोसिटी का फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन अ टाइम, याद रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वेलोसिटी का मतलब होता है वी, और वेवलेंथ मतलब यहाँ पे दिया है, और टाइम मतलब टी, याद रखना। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसीज दिया गया है, ये चीज आप लोग को यहाँ पर एक फार्मूला इसको याद करके रखना, और ये सब कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखो एक एक लाइन का क्वेश्चन है, ये वाला डेंसिटी और ये मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल तरीका अगर ये चीज याद हो गया ये तीनों का, बस आप लोगों का क्लियर हो जाए, कुछ भी नहीं करना रहेगा। देखोगे यहाँ पर अगर मैं एक चीज दिखाऊं आप लोग को, सिंपल से देखो, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी ऑफ द साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ द, देखो यहाँ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, टी लिख दो, हो गया ये आप लोग का पूरा। तो ऐसे सेम तीनों का आप लोग का करना है, तीनों आप लोग क्लियर हो जाएगा, एक टेम्परेचर का, डेंसिटी का, और यहाँ पर मॉलिकुलर वेट का, ये तीनों करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो ऑडिबल साउंड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, तीनों का आप लोगों को क्या करना रहेगा, सिंपल सा ऐसा पूछ सकता है, ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रा,
तो यहाँ पे देखो हम लोग को जो सुनाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर दिया गया है हम लोग कितना सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से, सिंपल से देखो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, उसको हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर एनजेस दिस इज कॉल्ड द ऑडिबल साउंड, जो हम लोग सुन सकते हैं उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। और देखो यहाँ पर दिया लोअर देन फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर कैन नॉट हियर साउंड फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो उसको साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते, उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रासाउंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक जो हम लोग सुन सकते हैं उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, और जो 20 हर्ट्ज से कम रहेगा और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग इंफ्रासाउंड। और यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड आता है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है देखो यहाँ पे दिया गया है, क्या चीज बोला है यहाँ पर देखो, साउंड वो वेव विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, जब ज्यादा रहेगा तब हम लोग उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, याद रखना। ये तीन हो गया, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज दिया गया है 25 हर्ट्ज तक छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा भी उसको क्या कर सकता है, सुन सकता है फ्रीक्वेंसी को। और इसको देखो यहाँ पर कौन प्रोड्यूस करता है, माइस दिया है, डॉल्फिन दिया है, ये सब क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं कौन, अल्ट्रासोनिक साउंड को, याद रखना ये चीज। एक एक पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। अब यहाँ पर दिया यूजेस ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको आप लोग इसमें 5-7 पॉइंट दिए, 7 में से आप लोग कोई भी 5 पॉइंट, कितना 5 पॉइंट याद करना, जो याद कर लेगा ना उसको कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। इसी तरीके से आप लोगों का मैथ का भी बताने लगा, मैथ 1 मैथ 2 किस तरीके से करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी किस तरीके से करें, कम समय में बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग, तो इसके लिए बोलता हूँ ध्यान से देखो। अब उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्टेड साउंड, देखो यहाँ पर दो है, गुड है और बैड है। गुड कब होगा देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर गुड रिफ्लेक्टेड जब तुम्हारे देखो इसमें दिया गया है, बैड रिफ्लेक्टेड देखो यहाँ पर हाउ मच, यहाँ से द इंसिडेंट साउंड आने वाले गेट आर द रिफ्लेक्टेड डिसाइड वेदर दिस रिफ्लेक्टेड गुड और बैड, हम लोग कब बोल सकते हैं। अभी देखो यहाँ से हार्ड फ्लैट और सरफेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, गुड रिफ्लेक्टेड रहेगा। जैसे बेंच है, बेंच पे अगर कोई भी चीज गिरता है तो क्या हार्ड है और प्लेन है, तो इसमें सिंपल तरीका साउंड को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी नहीं, तो इसलिए क्या होता है हमको साउंड सुनाई देता, तो गुड रिफ्लेक्टेड आर द साउंड है। अगर कहीं पर देखो यहाँ पर दिया है कपड़ा हो गया या तो कारपेट हो गया, फर्नीचर हो गया, अगर वो चीज हो वो बहुत सारा साउंड को क्या कर लेता, ऑब्जर्व कर लेता, तो इसके लिए वो क्या है, बैड रिफ्लेक्टेड आर द साउंड है। देखो यहाँ पे दिया गया, इसको आप लोगों को करके रखना, इतना यहाँ से यहाँ दोनों हो गया अच्छी तरीके से, गुड और बैड। तो उसके आगे अपने और इको, व्हाट इज दिस इको, पेपर में पूछता व्हाट इज दिस इको, तो इको का मीनिंग है देखो यहीं पे दिया इतना। देखो हम लोग क्या करते हैं, बाय द वे कहीं हिल पे पहाड़ पे या तो खाली कमरा रहे, पूरा स्कूल या तो घर पूरा खाली हो जाए, उसमें कोई भी एक भी ऑब्जेक्ट ना रहे, तो अगर हम उसमें क्या करते कोई वर्ड बोलते हैं तो हमारा साउंड जो है रिपीट होता है, कुछ सेकंड के बाद हमारा साउंड क्या होता है, रिपीट होता है, जो साउंड हमको दोबारा सुनाई देता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, याद रखना, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, बस इसको इको, व्हाट इज दिस इको, तो इको याद करके रखना। और कौन सा करना चाहिए देखो, और आगे आ जाते हैं हम लोग, और आगे आ जाते हैं देखो सोनार का यूजेस, अभी भी इस पेपर में बताया था सोनार का यूजेस करके जाना, और सोनार का फुल फॉर्म, सोनार का यूजेस कहाँ है वो चीज सर बता दो। देखो सोनार का यूजेस यहाँ पर पेपर में आया था, फिलिंग द ब्लैंक्स में दिख गया था, सोचो सोनार इज द यूज डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी, सोनार इज आल्सो यूज्ड टू सर्च अंडर वाटर हिल्स वैली, सबमरीन्स दिया गया है, आइसबर्ग, संकेत और सेप, ये सब ढूंढने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोनार का यूज किया जाता है। और सोनोग्राफी कुछ भी उसने सोनोग्राफी में से नहीं पूछा जाता। उसके बाद आप लोगों को आ जाओ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर का क्या करना रहेगा, उसका टाइप्स तीनों, आउटर, मिडल और यहाँ इनर, तीनों का क्या करना है आप लोगों को, सिंपल तरीका तीनों का टाइप्स याद करके रखना है। अब यहाँ पर से कौन सा किया जाए सर, न्यूमेरिकल्स, देखो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कौन सा करना चाहिए उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान से देखना आप लोगों को, पहला वाला, पहला और यहाँ पे तीसरा, पहला तीसरा अच्छी तरीके से करके रखो, कौन कौन सा,
पहला और तीसरा, पहला कर लो और एक तीसरा करके रखो, यहाँ पे तीसरा दिया गया, एक भी नहीं छूटेगा, जितना बता रहा हूँ उतना करके रखो। अब यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोगों को पूरा करना है, उसके बाद एक्सप्लेन द साइंटिफिक रीजन, इसमें से कौन सा किया जाए। देखो इसमें से आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर बात करूँ तो सी, सी और आप लोगों को कौन सा करना चाहिए, एक यहाँ पे देखो ए चीज, ए ए और सी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ए और सी, क्योंकि वी कैन नॉट हियर दिस इको प्रोड्यूस इन क्लासरूम द रूफ ऑफ द मूवी थिएटर एंड दिस कॉन्फ्रेंस हॉल इज दिस कवर्ड। और दूसरा जो इंटेंसिटी रिवाइब्रेशन इन दिस हायर इज द क्लोज ऑफ द इम्पटी हाउस, बट इसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ए और सी, ए और सी बहुत इंपॉर्टेंस। अगर आपके पास समय है तो दूसरे को भी देख लेना, बट इसमें से दो वेरी वेरी आई एम पी है। उसके बाद कौन सा करना चाहिए, देखो इसे ऑनवर्ड में लिखना है, तो ऑनवर्ड वाला सिंपल तरीका, एक करके रखो सिर्फ पहला, सिर्फ कौन सा करो पहला वाला, ए वाला करके रखो, बस बात खत्म हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद इसमें से कौन सा किया जाए, देखो एक आप लोग को कौन सा करना चाहिए, एक ही याद करके रखो, देखो कौन सा ये, एक करके नीता वाला, ये चीज करके रखो, आप लोगों का दो लेसन कंप्लीट हो जाता। तीसरा कार्बन कंपाउंड बहुत ज्यादा हार्ड सबको लगता है, इसका ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ क्या चीज इसमें से करना चाहिए, बट आज फिर बता रहा हूँ क्या चीज करना चाहिए कार्बन, क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, तो पूरा चारों लेसन एक ही में वीडियो में वन शॉट में पूरा खत्म, क्या क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया है ए चीज, एक कार्बन का है, कार्बन का सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर पूछ सकता है, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंसी और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, इसको आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके लिए इसको करके रखना। उसके बाद आप लोगों को कौन कौन सा करना चाहिए, देखो ध्यान से, अब यहाँ से क्या करना चाहिए वो चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, आप लोग को एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीज सर इतना बताए थे बाकी मैं नहीं कर पाया। अब यहाँ पर आलोट्रोपी दिया गया है, इसको आप लोगों थोड़ा सा करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी जाने दो। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पर आलोट्रोपी का जो दिया गया है उसको अच्छी तरीके से आप लोगों को कहाँ से करना रहेगा, देखो हम लोग बस ये थोड़ा सा बस करके रखो इतना, ये चीज इसमें क्या यहाँ से नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, यहाँ से करके रखो, इसमें क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर देखो सेम रहेगा बट फिजिकल प्रॉपर्टी सो डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड द एलोट्रोपी, ये चीज अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। उसके बाद आप लोग को और नीचे आ जाते हैं तो डायमंड का, अब देखो इसमें से सबका क्या करना प्रॉपर्टी याद करना, डायमंड का क्या करना है आप लोग को प्रॉपर्टी याद करना है, कितना पॉइंट, तीन पॉइंट, तीन पॉइंट प्लस हो जाना चाहिए, मैं पहले से आप लोग को बता रहा हूँ, तीन से चार पॉइंट हो जाना चाहिए कन्फर्म, तो इतना आप लोग करना रहेगा। किसका, डायमंड के प्रॉपर्टी और यूजेस, डायमंड के प्रॉपर्टी और यूजेस दोनों चीज करना है, क्या चीज, प्रॉपर्टी और यूजेस दोनों करना है, याद रखना। ये हो गया डायमंड का, हो गया ग्रेफाइट का भी करना है आप लोग को, क्या क्या करना है प्रॉपर्टी और उसका क्या करना है यूजेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला चीज बता रहा हूँ, समझ के रखना इतना। और यहाँ ग्रेफाइट का आ गया प्रॉपर्टी और यूजेस, फ्लोरेंस का क्या करना आप लोगों को सिंपल तरीका, इसका केमिकल जो है ये देखो बक्की बोल देते हैं सी सिस्टी, याद रखना ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसके बाद इसका भी प्रॉपर्टी और यूजेस, अब यहाँ पर आप लोग को कोल के टाइल्स याद करना रहेगा, देखो यहाँ पर मैं टिकआउट देता हूँ आप लोगों को, कोल के टाइल्स जितने टाइल्स हैं उसको अच्छी तरीके से आप लोग को याद करके रखना रहेगा ये सब टाइल्स। और उसके बाद यहाँ पर कोल का यूजेस और यूज ऑफ द कोक, कोल और कोक अलग अलग है याद रखना, दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, उसका टाइप्स और यूज ऑफ द कोल, यूज ऑफ द कोक दोनों यूज करना रहेगा आप लोग को दोनों अच्छी तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर आता है आप लोगों से पूछा जा सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज दिस हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज दिस हाइड्रोकार्बन्स, उसमें कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर ए लाइन से, बस यहाँ से आप लोग को अच्छी तरीके से बस इतने आप लोग को करके रख लो, बस ये चीज हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड दिया गया है उसकी प्रॉपर्टी, बस इसको क्या करो ए तीन पॉइंट दिया, तीनों बस याद करके रख लो।
उसके बाद यहाँ पर एक आता है सैचुरेटेड, किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं। सैचुरेटेड का मीनिंग देखो सिंपल तरीका, सैचुरेटेड का मीनिंग होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, याद रखना। अभी क्लास नाइन्थ में जाओ, टेंथ में जाओगे तो अच्छा खासा ये भर के कार्बन चैप्टर है पूरा, अच्छा खासा इसी पर टॉपिक पे। तो इसके लिए अभी यहाँ बेसिक उतना जान लो कि भैया सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर अगर देखो इथेन मीथेन प्रोपेन आता है वो सब चीज आप लोगों का सिंपल तरीका ए यान ई लगा हो तो सिंपल तरीका हम लोग करेंगे सिंगल बॉन्ड। अगर आप लोगों को सिंपल से ई यान ई ई यान ई लगा हो इन हो तो डबल बॉन्ड, और आइन हो वाई यान ई तो हम लोग क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। ये दोनों क्या है, इन और आइन, ये दोनों क्या है आप लोगों का सिंपल सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, याद रखना। अब उसके बाद क्या करना चाहिए आप लोग को, देखो यहाँ से आप लोग कुछ भी नहीं करना, जितना बता बस उसको करके रख लेना, बस ये सब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं, और मीथेन का सिंपल सा फार्मूला CH4 हो जाएगा वो चीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीथेन, ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना रहेगा। ये चीज अच्छी तरीके से मीथेन का ही करके रखो, प्रॉपर्टी फिजिकल, केमिकल नहीं याद कर रहे तो भी चलेगा, फिजिकल याद करो। उसके बाद यूज ऑफ द मीथेन, यूज ऑफ द मीथेन अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना रहेगा, वेरी 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 IMP क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, और आगे आ जाते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में देखो, क्वेश्चन आंसर में आप लोग को ऑलरेडी मैं सब बता दिया। देखो यहाँ पर सी वाला यूज ऑफ द डायमंड अभी जस्ट बताया क्या यूजेस आएगा, वो चीज अगर अंदर से कर लिए काम खत्म हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो, व्हाई आर द कार्बन कंपाउंड आर द यूज टू फ्यूल, ईंधन के रूप में क्यों यूज किया जाता है, ए और सी अच्छी तरीके से करके रखो, और यहाँ से ये दोनों डिफरेंट बिटवीन दोनों आप लोग करके रखना रहेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आता है साइंटिफिक रीजन में कौन सा किया जाए, तो देखो साइंटिफिक रीजन में आप लोगों को सिंपल तरीका एक इको फ्रेंडली वाला करना अच्छी तरीके से, उसके बाद एक ग्रेफाइट वाला, क्यों हम लोग ग्रेफाइट को यूज नहीं करते ऑर्नामेंट सोना या गहना कुछ बनवाने में, ये चीज, और एक आप लोगों को ए बी डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करके रखो। उसके बाद आप लोग यहाँ से देखो एक्सप्लेन करना उसको कौन कौन सा किया जाए, देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसको आप लोग सिंपल तरीके एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा इसको करना, बट ए तीनों के डायमंड और चारकोल यहाँ पर और है फ्लोरेंस, इसके तीनों की जो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बताया वो चीज याद करके रखो, और क्वेश्चन नंबर 7 वाला आप लोग को भरने वाला अच्छी तरीके से, और यहाँ पे नाम लिखना है सिंपल तरीका, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस सेंस से आप लोग एक कर सकते हो, एक दो करो, कौन कौन सा देखो, इस सेंस से आप लोग एक ए डी वाला करो, और इसके बाद कार्बन की प्रॉपर्टी बस आप लोग को, और कुछ भी नहीं, ये चीज ऑलरेडी तुम याद कर चुके पहले ही आप लोग, उसको कोल का टाइप से याद करना था, ये चीज यहाँ पर याद कर चुके हो। अब जो लास्ट चैप्टर आप लोग यहाँ 14वां चैप्टर सब्सटेंस इज द कॉमन यूजेस, इसके अंदर से क्या किया जाए, सबसे पहले इसमें से यूजेस में से क्या करोगे, ए देखो यहाँ पर ए कहाँ गया ए देखो, इसमें भी आप लोग को सोडियम क्लोराइड का सिंपल तरीका NaCl2 सोडियम क्लोराइड का सिंपल तरीका, इसका मॉलिकुलर नाम याद करके रखो, नेम और यहाँ पर प्रॉपर्टी और एंड यूजेस क्या चीज होता है, उसका तीन पॉइंट याद कर लो, कोई भी तीन पॉइंट। और यहाँ पर दिया है बेकिंग सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, इसको भी आप लोगों सिंपल से ए चीज और ए चीज प्रॉपर्टी, बस जो बता रहा हूँ बस उसको करो। और यहाँ ब्लीचिंग पाउडर दिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया गया CaOCl2, इसको याद करके नाम रखो। उसके बाद आप लोग को इसकी भी प्रॉपर्टी दी गई है, सिर्फ प्रॉपर्टी एंड देन यूजेस, सिर्फ कितना पॉइंट, दो पॉइंट तीन पॉइंट याद करना, कितना, दो या तीन पॉइंट इसका याद करना, याद करके ही रख लेना जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग को। वॉशिंग सोडा का इसकी भी प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी इसने दिया बस उसको करके रख लो, आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा प्रॉपर्टीज। उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये चीज बता दो, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के रखो, अल्फा रे बीटा रे और गामा रे तीनों का थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखो, और उसके बाद आप लोगों को और नीचे आ जाते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए उसको बताता हूँ।
और नीचे आ जाते और नीचे आ जाते। तो यहाँ पे देखो एक चीज ये दिया गया, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये, इसको मैं आप लोग को पूरा एक एक टिक आउट करके दे रहा हूँ। देखो इसके लिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग क्लास टेंथ में भी इसी तरीके से आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ देने वाले हम लोग, हर चीज बताना कैसे आप लोग को क्या करना चाहिए। देखो यूजेस हो गया यहाँ पर, अच्छी तरीके से इसको करना है दोनों, एडवाइजर इफेक्ट और यूजेस क्या होता है उसको डाई का। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिया गया आर्टिफिशियल कलर, इसको आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बट आप लोग को यहाँ पर डिओडोरेंट का, डिओडोरेंट का सिंपल तरीका आप लोग को क्या करना है, इसमें से इफेक्टेड दिया, देखो इफेक्टेड दिया है ह्यूमन हार्मफुल इफेक्टेड, बस इसको इफेक्टेड याद करके रखना बस। उसके बाद आप लोग को टेफ्लॉन का, देखो टेफ्लॉन का पॉली टेट्रा करके दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना टेफ्लॉन, और इसकी क्या करना है यूजेस और प्रॉपर्टी दोनों याद करके रखना। देखो याद करके रख लेना, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, तो इसके लिए याद करके रखना। अब उसके बाद क्या करना चाहिए ध्यान से सुनना आप लोग को, कहाँ गया जो जो बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ भी नहीं। अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम आप लोग करना है, राइट दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें से कौन कौन सा किया जाए। देखो सबसे पहला आप लोग करके रखो, दूसरा करो अच्छी तरीके जो जो चीज बता रहा हूँ, और यहाँ पर व्हाट आर द डिसीज, विच डिसीज आर केजेस बाय दिस आर्टिफिशियल फूड कलर, ये चीज दिया गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ द टेफ्लॉन दिया गया, इसको आप लोग करके रखो, इतना आप लोग करो। ए बी सी डी ई ये चार क्वेश्चन ऊपर के टॉप वाला करके रखो, 3, 2, 5 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर गिव द रीजन दिया गया, इसमें से कौन कौन सा किया जाए, देखो इसमें से पहला करो और एक हार्ड वाला, देखो सॉफ्ट एक ये वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट बी वाला, ए और बी अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा, ध्यान सुन लेना ये चीज करके रखना रहेगा। और इसमें से ए वाला क्वेश्चन नंबर 8वां सब करना है, और क्वेश्चन नंबर 7वां करना है, क्वेश्चन नंबर 6वें में से यूजेस लिखना है तो ए भी करना है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, इसके दो दो पॉइंट सबका याद करके जाना रहेगा, तो जाना रहेगा याद रखना। और राइट दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया, इसमें से कौन सा किया जाए, देखो इसमें से आप लोगों का सिंपल तरीका ए करो, बी सी वाला, और आप लोगों को कौन सा करना चाहिए एक यहाँ पर ए। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा जितना लेसन था साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम जो होने वाला अप्रैल में 110% ये चीज कर लिया आप लोग का आउट ऑफ आएगा। बस आप लोग को कमेंट करना है सर हमको दूसरा मैथ का, मैथ 1 मैथ 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी का सर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दो, तो मैं उससे बहुत जल्द ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर आने वाला। बस आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है।